आईपीएल की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस की शुरुआत इस सीजन बेहद खराब रही है। टीम पूरी तरह से बिखरी बिखरी नजर आ रही है। न टीम के बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं और न ही गेंदबाज। नतीजा ये है कि रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई टीम ने मौजूदा सीजन में 3 मैच खेले और तीनों में ही उसे हार का सामना करना पड़ा, जिससे अब लग रहा है कि मुंबई की टॉप 4 की राह मुश्किल हो सकती है। आईपीएल के 14वें मुकाबले में रोहित शर्मा की टीम का सामना श्रेयस अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स से हुआ, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स की शानदार जीत हुई। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 161 रन बनाए, जिसके जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 16 ओवरों में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाए। मुंबई के लिए सूर्य कुमार यादव ने 36 गेंदों पर 52 रन की पारी खेली। वहीं युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने 27 गेंदों पर 38 रन बनाए। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए पैट कमिंस ने 49 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि उमेश यादव के खाते में 25 रन देकर 1 विकेट आया। 162 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने यह लक्ष्य 16 ओवर में ही 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए पैट कमिंस ने 15 गेंदों पर 56 रनों की नाबाद पारी खेली। वहीं वेंकटेश अय्यर ने 41 गेंदों पर नाबाद 50 रन बनाए। मुंबई के लिए मुरुगन अश्विन ने 25 रन देकर 2 विकेट दिए। वहीं टिमल मिल्स ने 38 रन देकर 2 विकेट चटकाए। दरअसल एक वक्त मैच पर पकड़ बनाई हुई मुंबई इंडियंस के साथ कुछ ऐसा हुआ कि देखते ही देखते वो 5 विकेट से मैच हार गई। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए इस सीजन का पहला मैच खेला और आते ही धमाल मचा दिया। 162 रन के टारगेट का पीछा करते हुए केकेआर के 5 विकेट 13.1 ओवर में 101 रन के स्कोर पर ही गिर गए थे। यहां से कमिंस का ऐसा तूफान आया कि कोलकाता की टीम ने सिर्फ 16 ओवर में ही टारगेट हासिल कर लिया और कमिंस ने 14 बॉल में 50 जमा कर रिकॉर्ड बना डाला। पैट कमिंस ने अपनी 56 रनों की पारी में सिर्फ 15 गेंदों का सामना किया, 4 चौके लगाए और 6 छक्के भी लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 373.33 का रहा। आईपीएल में मुंबई इंडियंस अपने लेट स्टार्ट के लिए ही जानी जाती है। टीम शुरुआत में मैच हारती है और फिर शानदार वापसी करती है, लेकिन इस बार मुंबई के लिए करना काफी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि टीम की सबसे मजबूत कड़ी उसके कुछ पुराने खिलाड़ी अब टीम में नहीं है, जो सबसे कमजोर कड़ी बन गए हैं। देखना होगा कि युवाओं से भरी टीम आने वाले समय में कमाल दिखाकर टॉप 4 में जगह बना पाती है या नहीं। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया।